हेलो गाइस, आज हम 9 वाट LED बल्ब को रिपेयर करेंगे इस MCPCB का यूज करके। ये जो MCPCB है ये मुझे 11 रुपये का एक पड़ा है, और 5 रुपये का भी है, 7 रुपये का है, और ये जो इसका ड्राइवर है इसे मुझे 12 रुपये का एक पड़ा है। ये थोड़ा अच्छा क्वालिटी का है, इससे भी अच्छा क्वालिटी का आता है जो 15 रुपये का एक होता है, वो भी ले सकते हो, और इससे सस्ता भी आता है। ये जो MCPCB है ये मुझे 11 रुपये का पड़ा है, 5 रुपये 7 रुपये का भी आता है एक, लेकिन ये मेरे घर के लिए है इसलिए मैंने थोड़ा अच्छे वाला लिया है। ये देखो ये LED बल्ब ख़राब है सारे, देखो मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ, नहीं जल रहा। देखो इसे ऐसे मोड़ के खोल लेना है, मैं फिर से टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो ये नहीं जल रहा है। अब ये अभी इसको क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे, ये दोनों स्क्रू खोल के इसको खोल लेना है आपको, दोनों स्क्रू को रख संभाल के रख लेना है ताकि हमें इसे बाद में यूज कर सकें। ये देखो खुल गया। अब इसको क्या करते हैं, इन जो MCPCB को डीसोल्डरिंग करके निकाल लेते हैं इसको पहले। अब ये निकाल लेना है, अब ऐसा करने से अच्छे से निकल जाएगा। आपको क्या करना है, उसको जो हीट सिंक लगा है उससे निकाल के डीसोल्डरिंग करना है, वरना ये सोल्डरिंग आयरन काम नहीं करेगा क्योंकि सारा हीट जो है और इसका हीट सिंक अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, पहले इसे हीट सिंक से निकाल के ही मतलब इसका वायर को डिसोल्डरिंग करना है। ये देखो ये निकल गया है। अब हमको क्या करना है, इसका जो ये हीट सिंक है इसको निकालना है, ये बहुत मेहनत का काम है, इसको आराम से करना है। ये देखो स्क्रू ड्राइवर भी मुड़ जा रहा है, इसको प्लायर से खींच लेते हैं पहले। ये देखो मैंने स्क्रू ड्राइवर से इसको ढीला कर लिया था, ये देखो खुल गया। अब इसको जो पुराना ड्राइवर है इसको हम निकाल लेंगे। अब वो क्या करना है, इसको जो पीछे से सोल्डरिंग आयरन लगा के इसको सारे जो सोल्डर लगा था पहले इसको निकाल लेना है आपको। ये देखो मैं निकाल रहा हूँ इसको, आपको पहले निकाल लेना है इसको। ये देखो निकाल के गिरा दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, इसको जो ड्राइवर को प्लायर से पकड़ के सोल्डरिंग आयरन ऐसे लगा के खींच लेना है। इसको मैंने खींच के निकाल लिया। अब क्या करना है, इसको इसके अंदर डाल के लगा लेना है। इधर जो दोनों वाइट वायर है वो एसी का है, और जो वाइट और रेड है ऊपर डीसी पॉजिटिव और नेगेटिव का है। अभी जो वाइट वायर दोनों को इसे यहाँ पर लगा लेना है, सोल्डरिंग कर लेते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पर ऐसे लगा लिया, इसको सोल्डरिंग करके दिखाता हूँ मैं। सोल्डरिंग वायर को लेके यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेना है, ध्यान रखें इसको थोड़ा अच्छे से होल्डिंग करना है, वरना जो होल्डर पे आप लगाओगे वो अच्छे से काम नहीं करेगा। आप यहाँ पे भी जो पुराना सोल्डर निकाले थे यहाँ से उसका भी यूज कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए यूज कर रहा हूँ, मैं उसको भी यूज कर सकता था। ये देखो अब थोड़ा सा इसमें और डाल देते हैं ताकि थोड़ा मोटा हो जाइए। ये हो गया, देख सकते हो। अब इस ड्राइवर में क्या करेंगे, इस हीट सिंक से लगाने से पहले इसको थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट ना हो इसलिए यहाँ पर जो टेप है लगा लेंगे। इसको मैं लगा के दिखाता हूँ, देखो मैं टेप लगा के इसको अंदर डाल दिया। देखो इसको वहाँ पर डालने से अभी हीट सिंक के अंदर से वायर डाल निकाल के हीट सिंक को बंद कर देंगे। देखो मैं निकाल रहा हूँ, आपको जो LED MCPCB और ये ड्राइवर है आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, लेकिन वहाँ पर महंगा मिलेगा। आपको जहाँ पर ढूंढना है जो लोकल मार्केट है वहाँ पर ढूंढना है। इन दोनों स्क्रू को लगा लेते हैं, चलिए मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। ये दोनों स्क्रू को लगा के दिखाता हूँ आपको, ये देखो मैं लगा लिया। अब क्या करना है, यहाँ पर सोल्डिंग कर लेना है वापस, जो नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखते हुए रेड वायर पॉजिटिव है वहाँ पर पॉजिटिव पे सोल्डिंग कर देंगे। ये हो गया देखो, अभी जो व्हाइट वायर है और नेगेटिव है वहाँ पर नेगेटिव पे सोल्डिंग कर देंगे। ये कर दिया देखो। अब इसको क्या करते हैं, टेस्ट करके दिखाता हूँ बिना इसके कवर लगा गए, ताकि आपको दिखने में आसानी हो। ये देखो देखो कितने अच्छे से ग्लो कर रहा है। ये थोड़ा मैंने अच्छे क्वालिटी का LED लिया है, MCPCB है, 11 रुपये का, 5 रुपये का, 7 रुपये का भी मिलता है। तो अभी इसका डिफ्यूज़र लगा के दिखाता हूँ मैं।
अगर आप इसको बनाना है तो आपको ना लोकल मार्केट पे ढूंढना है, वहाँ पर आपको सस्ते में मिलेगा, वरना ऑनलाइन तो बहुत महंगा मिलता है। ये देख सकते हो एक अच्छे से